कथास्तंभ पत्रकार आपको हर खबर से रूबरू कराते हैं। बेबाक लिखना कई बार उनके लिए खतरनाक साबित होता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है दरभंगा में, जहां एक अखबार के पत्रकार को मारने की साजिश रची गई। इस बात का खुलासा होने के बाद पत्रकारों में दहशत है, हालांकि पुलिस सभी को मुकम्मल सुरक्षा दिलाने का दावा कर रही है। खतरे में कलम का सिपाही, पत्रकार की हत्या की साजिश, दहशत में पत्रकार, सुरक्षा की गुहार, विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी और आगजनी। दरभंगा के लोगों का ये गुस्सा 29 दिसंबर को हुए सुनिए राय हत्याकांड के खिलाफ था। पुलिस इस मामले को सुलझा पाती उससे पहले ही आरोपी के एक वीडियो ने मामले में नया ट्विस्ट ला दिया। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में आरोपी विपिन राय ने दावा किया है कि निजी अखबार के एक पत्रकार की हत्या की साजिश रची जा रही थी। उसने विरोध किया तो उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की गई, उस पर चली गोली, सुनील को लग गई। ये लोग कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग कर रहा था, समझे, नीरज व्यास पत्रकार का हत्या करने का। और मैंने नीरज व्यास को कॉल करने के लिए मोबाइल जैसे ही निकाला, ठीक है, बाइक से ही, ठीक है ना, बिट्टू राय ने उतना ही पिस्टल पीछे से निकाल करके वो गोली चल गया। और वो गोली मेरे अपोजिट साइड में सुनील राय खड़ा था, वो उसको लगा और वो लड़का बिट्टू राय वही जगह हल्ला करते हुए चौक की तरफ भागा कि विपिन राय ने गोली मार दिया, गोली मार दिया। आरोपी के खुलासे से कलम के सिपाही खौफजदा हैं, पुलिस प्रशासन से मामले में जल्द खुलासे की मांग कर रहे हैं। जो है पत्रकार बंधुओं की वजह से मुझे ये जो है सुरक्षा भी है ना मुझे करा दी गई है, लेकिन फिर भी है ना पुलिस प्रशासन को है ना पूरे मामले को है ना जांच करना चाहिए कि भाई मामला क्या है ना, क्यों मेरी हत्या की साजिश की जा रही थी, कौन इसके पीछे है। डीएम ने पत्रकारों की सुरक्षा का भरोसा जताया है तो उधर डीआईजी खुद मामले पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन वो जो वीडियो अपलोड किया है उसमें उसने इस तरह का दावा किया है, तो उसकी सत्यता की जांच की जा रही है और अग्रेतर जो अनुसंधान होगा उसमें भी ध्यान में रखा जाएगा। एसएसपी से हमारी बात हुई तो मैंने सीनियर एसपी दरभंगा को और सदर डीएसपी को गहराई से छानबीन करने का निर्देश दिया है और इसके तह में इसके लॉजिकल एंड तक पहुँचने के लिए हम अपने स्तर से भी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पत्रकार नीरज ने अपने इलाके में जमीन विवाद से जुड़ी एक खबर छापी थी, हो सकता है कलम के सिपाही की इसी आवाज को अपराधी मजदूर की गोली से चुप कराने की कोशिश में हो। मुकेश, जी मीडिया, दरभंगा।